Bismillahir Rahmanir Rahim I am Syed Ali Kazmi, Assistant Professor Political Science GPGC Mansara. Today's my topic is sovereignty First of all I would like to introduce and define sovereignty The word sovereignty is derived from a Latin word "sopranus," which means Supremacy or paramount. Aristotle defines sovereignty as the supreme power of the state. And according to Andrew Hayward, sovereignty is the principle of absolute and unlimited power. Let me explain it in Urdu for your convenience. तो इसमें इसको मैं उर्दू में डिफ़ाइन कर देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले ये है कि सावरेंटी का जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से सप्रानस, जिसका मतलब है सप्रेमेसी सुप्रीम या पैरामाउंट जिसका मतलब होता है उर्दू में बर आला इसी तरह से एरिस्टोटल जिन्हें फ़ादर ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है उन्होंने सावरेंटी को सिंपली डिफ़ाइन किया है और कहा है कि द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट कि जो एक रियासत के अंदर उसकी बरतर पावर या अख्तियार होता है उसे कहा जाता है सावरेंटी या इकतदार आला इसी तरह से एंड्रयू हेवर्ड ने सावरेंटी को डिफ़ाइन किया और कहा कि द प्रिंसिपल ऑफ एबसलूट एंड अनलिमिटेड पावर कि ये एब्सलूट और अनलिमिटेड पावर है किसी स्टेट की एक रियासत की तो ये तीन डेफिनेशन हमारे सामने आ गई दो तो डेफिनेशनस हैं तो एक हमने जो ये देखा कि ये कैसे डिराइव हुआ है सावरेंटी का वर्ड इसी तरह से फर्दर जब हम देखते हैं जैन बौद्धन की जैन बौद्धन जिन्हें फाउंडर भी कहा जाता है इस कन्सेप्ट का सावरेंटी के कंसेप्ट का फाउंडिंग फादर कि उन्होंने सिक्सटीन सेंचुरी में फर्स्ट टाइम इसे यूज किया था तो उन्होंने सावरेंटी को डिफाइन किया है इट इज़ अ सुप्रीम पावर ऑफ़ और सब्जेक्ट्स सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रैंड बाय द लॉ कि ये रियासत की वो बरतर पावर है याख्तियार है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ना ही उसके ऊपर ला की कोई रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि ला तो खुद जो सावरन है वो बनाता है तो इसलिए उस पर उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये जैन बदन की डेफिनेशन है इसी तरह से अकॉर्डिंग टू तो बर्जस इट इज़ ओरिजिनल एब्सलूट एंड अनलिमिटेड पावर आवर इंडिविजुअल्स एंड आवर आर एसोसिएशन तो बर्जिस के मुताबिक ये औरजनल एप्सलूट और अनलिमिटेड पावर है एक रियासत के उसके तमाम शहरीों के ऊपर और जितनी एसोसिएशंस हैं इदारे हैं जो भी उस उन बाउंड्रीज़ के अंदर है रियासत की हदूद के अंदर उसके ऊपर रियासत जो अपना बरतर इस्तेमाल करती है तो बजस के मुताबिक वो सावरेंटी कहलाता है तो ये जितनी डेफिनेशन हमने सावरेंटी की यहाँ पर डिस्कस की हैं आलमोस्ट एक ही चीज़ हमारे सामने आई है और वो ये कि सावरेंटी इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट जिस तरह एरस्टोटल ने कहा और बाकी जितनी भी डिफिनेशन हमने यहाँ पे की हैं उनमें ये ये चीज़ कामन है कि सावरेंटी जो है वो एक रियासत का बर तरख्तियार है अब हम देखते हैं कि रियासत का जो ये बर तरख्तियार है सावरेंटी इसके दो आस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं देर आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ सावरेंटी वन इज़ द इंटरनल सावरेंटी एंड दर इज़ द एक्सटरल सावरेंटी अब इंटरनल सावरेंटी को सबसे पहले हम देख लेते हैं इट इज अम पावर और स्टेट्स टेरीटोरियल बाउंड्रीज इंटरनल सावरेंटी यह है कि एक रिया अपनी हदूद के अंदर अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर जो बरतर अख्तियार इस्तेमाल करती है अपने इंडिविजुअल्स पर शहरीों पर आर्गनाइजेशनस पर और इंस्टीट्यूशनस पर उसे इंटरनल सावरेंटी कहते हैं वो उसका दाखिल बल बरतर अख्तियार है तो ये है इंटरनल सावरेंटी का आस्पेक्ट एक्सटर्नल सावरेंटी सिंपली हम इसे कहते हैं कि इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट स्टेट इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट फ्राम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल कि स्टेट किसी भी बैरूनी जहरीत कंट्रोल से आज़ाद है और दूसरे लफ्सों में जैसे मैंने आपको कहा कि इसे हम सिंपली इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट कहते हैं कि स्टेट एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट है फ्राम एनी प्रेशर और कंट्रोल तो ये दो आस्पेक्ट हमने इसके डिस्कस कर लिए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जिन्हें उर्दू में खसूसियात कहते हैं वह देख लेते हैं तो सबसे पहला है परमानेंस सावरेंटी लास्ट एज लॉन्ग एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट लास्ट कि सावरेंटी उस वक्त तक कायम रहती है जब तक कि एक रियासत कायम रहती है तो यह परमानेंट चीज है द डेथ ऑफ द किंग दवर थ्रो ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एबडक्शन ऑफ The ruler does not lead to the destruction of the sovereignty. इसका मतलब ये हुआ कि अगर government change हो जाती है king की death हो जाती है या government को overthrow का दिया जाता है कोई भी situation पैदा होती है riyasat के अंदर ruler change हो जाता है उसे अगवा कर लिया जाता है किसी तरह की कोई भी सिचुएशन अगर रियासत के अंदर पैदा होती है तो हुकूमत के चेंज होने से या रूलर के चेंज होने से किंग के चेंज होने से सावरेंटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अपनी जगह कायम रहती है और वो मुस्तकिल है इसी तरह से नेक्स्ट जो इसका फीचर या करेक्ट्रस्टिक जो है वो एक्सक्लूसिवनेस है और एक्सक्लूसिवनेस का uh, वैसे मतलब होता है कि जिसमें किसी और की शिरकत ना हो जिसमें कोई और इन्वॉल्व ना हो इट मीन्स डैट देयर कैन बी Only one sovereign in one independent state किस एक इंडिपेंडेंट स्टेट में सिर्फ एक वक्त में एक ही सावरन हो सकता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसमें सिर्फ़ एक ही सावरन होगा और इसका मतलब यह है कि एक्सक्लूसवनेस उसमें कोई और उसकी सावरेंटी में मुदाखलत नहीं कर सकता या उसमें शिरकत नहीं कर सकता या उसमें शामिल नहीं हो सकता नेक्स्ट जो फीचर है इसका या करक्ट्रिस्टिक्स है वो है ऑल कम्प्रीहेंसिवनेस इसका मतलब ये है द स्टेट इज़ ऑल कम्प्रीहेंसिव एंड द सावरन पावर इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल कि स्टेट की जो सावरेंटी है वो सब पे लागू है जो स्टेट की हदूद के अंदर जितने लोग अदारे कायम हैं उन सब पे यूनिवर्सली और जनरली एप्लीकेबल है

इसका मतलब होता है कि यह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती इट मीनस सावरेंटी कैन नॉट बी ट्रांसफ़र टू एनी अदर पर्सन और एनी अदर स्टेट कि सावरेंटी किसी और को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना किसी शख्स को और ना ही किसी स्टेट को यह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती क्योंकि अगर ये ट्रांसफर हो जाएगी तो जिसको ट्रांसफ़र हो गई है वो सावरन बन जाएगा और जिसने ट्रांसफर कर दी है वो सावरन नहीं रहेगा नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है इम्प्रस्क्रपटिबिलिटी इसका मतलब है इफ़ द सावरन डज नॉट एक्सरसाइज सावरेंटी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट डज़ नॉट लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ़ द सावरेंटी कि अगर सावरन कुछ मखसूस अर्से के लिए अपनी सावरेंटी एक्सरसाइज नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सावरेंटी ख़त्म हो गई है सावरेंटी उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक रियासत कायम है इट लास्ट एज लॉन्ग एज द स्टेट लास्ट तो सावरेंटी का तलक रियासत के साथ है जब तक रियासत कायम है उसकी सावरेंटी कायम रहेगी नेक्स्ट है इंडिविजिबिलिटी कि सावरेंटी कैन नॉट बी डिवाइडेड कि सावरेंटी को आप डिवाइड नहीं कर सकते जिस तरह एक इंसान को आप डिवाइड करेंगे तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता इसी तरह सावरेंटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता जैसे अमेरिकन स्टेट्समैन थे कॉल हॉन तो उन्होंने कहा सावरेंटी इज़ इन एंटायर थिंग टू डिवाइड इट इज़ टू डिस्ट्रॉय इट तो उन्होंने कहा कि सावरेंटी को आप जब डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया कि जिस तरह इंसान की जान होती है वो निकल जाए तो वो कायम नहीं रह सकता वो जिंदा नहीं रह सकता इसी तरह से सावरेंटी एक स्टेट की जान है इट इज़ द सुप्रीम पावर एंड कैन नाट बी डिवाइडेड और ये डिवाइड नहीं हो सकती नेक्स्ट जो इसकी इसका फीचर है वो है एप्सल्यूटनेस कि सावरेंटी एप्सलूट और अनलिमिटेड है द सावरन इज एक्सरसाइज ऑल लीगल पावर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस कि सावरन अपनी जितनी उसकी लीगल पावर्स हैं वो बग़ैर किसी पाबंदी के एक्सरसाइज करेगा और उसकी जो सावरेंटी है रियासत की जो सावरेंटी है वो अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट है इसी तरह से जो नेक्स्ट है और ये इसका जो आखिरी फ़ीचर है यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं वो है औरजनेलिटी औरिजनेलिटी का मतलब है डेट द सावरन हैज़ पावर ड्यू टू हिज़ ओन राइट एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी बॉडीज मसी कि सावरेंटी जो है वो एक सावरन का हक है वो उसका राइट है और वो उसे किसी की तरफ से कोई तोहफा नहीं दिया गया या वो उसका अपना एक राइट है हक है जो वो एक्सरसाइज करेगा और इसके लिए वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता वो किसी की तरफ से कोई मर्जी नहीं है बल्कि वो उसका अपना राइट है और वो उसे औरिजनली एक्सरसाइज करेगा तमाम लोगों के ऊपर तमाम इदारों के अंदर और तमाम शहरीों के ऊपर और जितनी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन उन उस रियासत के अंदर हैं उसकी हदूद के अंदर हैं वो अपनी पावर उन पर एक्सरसाइज करेगी तो आज मैंने सावरेंटी को डिफ़ाइन किया और उसके फीचर्स या करेक्ट्रस्टिक्स को डिस्कस किया है और उसके दो आस्पेक्ट को डिस्कस किया है नेक्स्ट में मैं इसके सावरेंटी के जो काइंड हैं और इसकी थ्योरीज हैं उस पे लेक्चर इंशाल्लाह डिलीवर करूँगा मुझे उम्मीद है कि आज आपको समझ आई होगी मैंने बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर सावरेंटी की काइंड और उसकी थ्योरीज़ वग़ैरह